चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक एंग्लो सिख वॉर आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को तो आ, ये सिख वार मेनली सिख रिलीजन से रिलेटेड है सिख रिलीजन को सिख रिलीजन के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं सिख रिलीजन को फाउंड किया था गुरु नानक ने फिफ्टीन सेंचुरी के एंड में तो फर्स्ट गुरु जो थे वो गुरु नानक जी थे जो जो फोटीन सिक्सटी नाइन में बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी फिफ्टीन थर्टी नाइन में इसके बाद नेक्स्ट गुरु थे गुरु अंगद देव जी इन्हों ये सेकेंड गुरु थे और ये मतलब इनको गुरु नानक का डिसाइबल भी कहा जाता है इन्होंने लिखी थी इन्होंने फाउंड की थी गुरुमुखी लैंग्वेज जिसमें आज भी मतलब ये सिख अपना जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं वो गुरुमुखी लैंग्वेज में है और उन्होंने इन्होंने ही लंगर स्टार्ट किया था जैसे सिख टेम्पल प्रमाइसेज होते हैं उसमें लंगर का सिस्टम जो स्टार्ट किया था वो गुरु अंगद देव ने ही स्टार्ट किया था गुरु अंगद देव जो थे वो उनकी डेथ हुई थी फ़िफ्टीन फिफ्टी टू में उसके बाद नेक्स्ट गुरु थे गुरु अमरदास ये थर्ड गुरु थे उसके बाद फोर्थ गुरु जो थे फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास 1574 तक थे इन्होंने क्या किया इन्होंने एक एरिया डेवलप की थी स्टेबलाइज की थी जिसे रामदासपुर कहा गया उसको बाद में अमृतसर का नाम दिया गया अमृतसर में गुरु रामदास ने एक सरोवर बनाया था सरोवर बनाया था उसके बाद गुरु अर्जुन देव ने उस सरोवर के पास टेम्पल बनाया जिसको हरमंदर साहिब कहते हैं उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने इस टेम्पल को गोल्ड से कवर कर दिया था आ, अब इसको इस टेम्पल को हर मंदिर साहिब टेम्पल को क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं गुरु अर्जुन देव उसके बाद गुरु बने फिफ्टीन एटी सेवन में फिर सिक्सटीन हंड्रेड सिक्स में गुरु हर गोविंद बने सिक्स गुरु फिर गुरु अर्जुन देव आ, 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 जो थे उ, गुरु अर्जुन देव जो थे उनको जहांगीर ने मरवा दिया था जहांगीर के जो बेटे थे खुसरो थे वो जहांगीर के ख़िलाफ़ थे तो वो भाग करके गुरु अर्जुन देव के पास गए और गुरु अर्जुन देव से मदद मांगी तो गुरु अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया खुसरो को और साथ में कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी की थी तो जहांगीर को जब इस बात का पता लगा कि उन्होंने खुसरो को हेल्प की है तो जहांगीर ने अर्जुन देव से कहा कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए तो अर्जुन देव जी ने मना कर दिया तो उसके इसलिए जहांगीर ने उनको मरवा दिया उसके बाद नेक्स्ट गुरु जो बने वो गुरु हरगोविंद बने उनके उनके बाद उनकी डेथ के बाद गुरु हरगोविंद की डेथ के बाद गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने स्टार्ट किया सिख को मिले मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी बनाने मतलब उनको फाइट करना सिखाना स्टार्ट किया गुरु उसके बाद फिर क्या हुआ गुरु हर राय ने गुरु हर राय गुरु हर कृष्ण और गुरु तेग बहादुर ने भी ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको फाइटिंग स्किल सिखाना वो इन लोगों ने भी ये ट्रेंड कंटिन्यू किया और ट्रेन किया और मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी बनाई उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो थे गुरु तेग बहादुर जो थे लास्ट उसके बाद उनको क्या क्या उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था तो गुरु गोबिंद सिंह ने ये गुरु गोविंद सिंह उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु थे उन्होंने ये गुरु तेग बहादुर को जो उन्होंने मरवाया था इसके अगेंस्ट कई सारी फ़ाइट लड़ी औरंगजेब के अगेंस्ट फिर गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा स्टार्ट किया खालसा पंथ जिसमें सिखों को पहले तो मिलिट्री स्किल सिखाई जा रही थी मगर अब साथ के साथ उसको पॉलिटिकल स्किल्स भी सिखाई गई और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है रिलीजियस जो बुक है सिख की आ, उस उसको क्या कंसीडर करते हैं उसको अब लिविंग गुरु के तौर पे सिख में जो सिख धर्म में जो आ, यकीन रखते हैं उनके फॉलोअर्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु के तौर पे मानते हैं अब इसका ये देख लेते हैं पहले गुरु कौन थे गुरु आ, गुरु नानक 1469 सिक्सटी नाइन में गो, उनकी बर्थ हुई फिर गुरु अंगद देव फिर गुरु अमरदास फिर गुरु रामदेव फिर गुरु अर्जन देव गुरु हर गोविंद गुरु हर राय गुरु हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर लास्ट में गुरु गोविंद सिंह उसके बाद क्या गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद उनके ट्रस्टेड डिसाइपल जो थे बंदा बहादुर बंदा बहादुर ने कई सारे रिवोल्ट किए मुगल्स के अगेंस्ट और कई सारी बैटल भी जीती फिर 1713 में क्या हुआ फारूक शियर जब नेक्स्ट मुगल एम्पर बने तो सेवनटीन फिफ्टीन में बंदा बहादुर को उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया और बंदा बहादुर को मरवा दिया उसके बाद बंदा बहादुर की डेथ के बाद सिख कम्युनिटी को दो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी एक बंदाई और एक तत् खालसा बंदाई लोग जो थे वो लिबरल विचारों के थे और तत् खालसा वाले लोग जो थे वो क्या थे ऑर्थोडॉक्स विचारों के थे तो उसके बाद आ, आ, क्या हुआ द इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम थी कि हाँ सॉरी इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी उसको एंड किसने किया भाई मनी सिंह ने एंड किया फिर 1784 में क्या हुआ कि कपूर सिंह फैज, फैजलपुरिया ने आ, हाँ आ, कपूर सिंह फैज़लपुरिया ने ऑर्गेनाइज किया सिक्को एक टीम में जिसका नाम क्या था दल खालसा ऑब्जेक्टिव क्या था दल खालसा का या, जो भी सिखिज्म में आ, मतलब यकीन रखते हैं जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको पॉलिटिकली कल्चरली और इकोनॉमिकली उनको इकनॉमिकली स्टैंड किया जाए उसके बाद क्या हुआ दल खालसा को दो दो उसमें बांटा गया था एक बुद्ध दल था बूढ़ा दल और दूसरा क्या था तरुण दल बूढ़ा दल में कि जो लोग थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस पीपल थे और ओल्ड सिपाहीज थे और तरुण दल में यंग पीपल और नए सिपाहीज थे फिर 1784 में मुग़ल एम्पायर जो पहले से ही वीक हो गया था उसको अहमद शाह अब्दाली जो अफ़ग़ान अब रूलर थे वो भी कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे मुग़ल के ऊपर से और काफ़ी सारी मुगल्स की टाइटरी हथियार रहे थे तो अहमद शाह अब्दाली ने वो फिर कई बार अटैक किया हिंदुस्तान के ऊपर और मुगल को कई बार डिफ़ीट भी किया 1748 से लेके 1767 तक क्योंकि औरंगज़ेब के बाद तो काफ़ी वीक हो गया था मुगल एम्पायर तो 1773 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो गई ट्यूमर की वजह से अब दोनों मुगल और अब अफगान जो दोनों अब वीक हो गए थे अब क्या था ये सबसे बेस्ट टाइम था सिख के लिए कि अपने आप को इमर्ज करे एज अ पावरफुल सोर्स तो इन्होंने दल खालसा में कई सारी मिसल बनाई मिसल किसको कहते हैं प्रोविंस और स्टेट को कहते हैं 1763 से लेकर 17 1773 तक इस मिल्स मिसल और प्रोविंस में क्या होता था कि हर को बराबर का हक मिलता था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और ग, 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 मतलब अपनी बात सब लोग आपस में मिल जुल कर रखे रक, रखते थे और कोई भी प्रॉब्लम आती थी उसे मिल के डिसाइड करते थे मिसल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मतलब हर की अपनी प्रोविंसेस अपने में इंडिपेंडेंट थी वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरप्ट नहीं करते थे यही था अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पंजाब अंडर महाराजा रंजीत सिंह तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को थैंक यू सो मच